बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस के चैप्टर से एक और इम्पॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल टॉपिक मल्टीपल एलील को डिस्कस करने जा रहे हैं कि मल्टीपल एलील क्या है, और मल्टीपल एलील के टॉपिक से हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट करने से पहले चलें कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप में से अक्सर मुझे ये जवाब दे रहे होंगे कि सर हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बास कह रहे होंगे कि सर हमारा ब्लड ग्रुप बी है, और कुछ कह रहे होंगे कि सर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, और कुछ कह रहे होंगे कि सर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे कि सर अभी तक हमने ब्लड ग्रुप चेक ही नहीं करवाया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा कि किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो क्यों है, किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी है तो क्यों है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी क्यों है, और मेरा अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो क्यों है। आज हम इसी ब्लड ग्रुप के पीछे की कहानी समझेंगे कि किसी भी इंडिविजुअल का वो वाला ब्लड ग्रुप क्यों होता है। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हमने एक कंसेप्ट समझना है जो है मल्टीपल एलील, और मल्टीपल एलील का कंसेप्ट समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना होगा एलील का। इस प्रीवियस लेक्चर में हमने जीन और एलील में डिफरेंस भी किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा कि डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील, तो वो लाजमी देखें ताकि इसका कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेकिन यहां पे जनरली मैं दोबारा एलील को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा ताकि आपको मल्टीपल एलील और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की समझ आ जाए। सो एलील क्या है? मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें उसने पी प्लांट की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पी प्लांट की जो सीड है उनकी शेप राउंड है, तो राउंड क्यों है? क्योंकि अगर हम इस पी प्लांट का एक सेल लें और सेल यहां पे ड्रा कर दिए, और सेल के अंदर आपको पता है कि क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं। लेट्स सपोज कि ये एक क्रोमोसोम का पेयर है। अगर इस क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं और इस क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं अगर वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाले जो क्रोमोसोम है ये होमोलोगस है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस क्रोमोसोम पे ये वाला जो जीन है वो सीड शेप का है, तो डेफिनेटली कि यहां पे भी जो जीन होगा वो सीड शेप का ही होगा। अगर इधर आपके पास कलर का जीन मौजूद है, तो यहां पे भी सीड कलर का ही जीन मौजूद होगा। ठीक हो गया। लेकिन अब जरा फोकस कीजिएगा, मैं जीन से एलील की तरफ जाऊंगा। अगर यहां पे कैपिटल आर है और यहां पे स्मॉल आर है, यानी कि ये वाला जो जीन है ये डोमिनेंट करेक्टर के लिए है और ये वाला जो है वो रिसेसिव करेक्टर के लिए है, और ये वाला जो जीन है यानी कैपिटल वाई डोमिनेंट करेक्टर यानी येलो कलर के लिए है, और ये वाला जीन जो है वो ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई यानी ग्रीन कलर के लिए है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जीन तो सेम है, लेकिन जीन की दो फॉर्म्स हैं और अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। जीन तो दोनों कलर के हैं, एक येलो के लिए है और एक ग्रीन के लिए है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जीन की ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स पाई जाती हैं। असल में यही अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो हैं, इनको हम एलील कहते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एलील है ये आपके पास राउंड शेप के लिए है, और ये एलील जो है वो आपके पास रिंकल शेप के लिए। इसी तरह ये एलील आपके पास येलो कलर के लिए है, और ये एलील आपके पास ग्रीन कलर के लिए है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलील आपके पास कोई एक फिनोटिपिक जो है वो करेक्टर देती है। तो यही वाला पॉइंट मैंने यहां पे लिख लिया है, एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन विच कोड फॉर वन पॉसिबल आउटकम ऑफ फिनोटाइप। लेकिन अब यहां पे आपने गौर करना है, इसी से मैं मल्टीपल एलील का कंसेप्ट आपको दूंगा। मुझे ये बताना है कि सीड शेप के एलील आपके पास कितने हैं। तो आप सर जवाब दे रहे होंगे कि सर कैपिटल आर स्मॉल आर यानी दो आर होंगे, या दोनों कैपिटल आर होंगे, या दोनों स्मॉल आर होंगे, या एक कैपिटल आर होगा एक स्मॉल आर, यानी दो आर है। इसके अलावा अगर आपसे मैं ये पूछूं कि सीड कलर के कितने एलील हैं, तो सिमिलरली आप फिर यही कह रहे होंगे कि सर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई
या दोनों कैपिटल वाई या दोनों स्मॉल वाई, यानी कि सीड कलर के भी दो एलील हैं। लेकिन अगर दो से ज्यादा एलील आपके पास हो, फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप के केस में आपके पास तीन एलील होंगे, एक एलील आई ए, एक एलील आई बी और एक स्मॉल आई या आई ओ होगा, तो इस कंसेप्ट को जिसमें दो से ज्यादा एलील हो इसको हम कहते हैं मल्टीपल एलील। अब मुझे पता है कि आपके माइंड में फिर भी क्वेश्चन आ चुका है कि सर ये मल्टीपल एलील ए बी ओ ब्लड ग्रुप में होते हैं, ये कैसे होते हैं, कहां पे होते हैं, तो उसका कंसेप्ट मैं इधर डायग्राम से आपको समझाने वाला हूं। लेकिन यहां पे मल्टीपल एलील की डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख ली है, द एलील दैट एग्जिस्ट इन मोर देन टू डिफरेंट अल्टरनेट फॉर्म्स आर कॉल्ड मल्टीपल एलील। इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास दो ही एलील्स थे एक करेक्टर के लिए, लेकिन इसमें करेक्टर ब्लड ग्रुप है और इसमें आपके पास तीन एलील्स मिलते हैं, यानी दो से ज्यादा एलील्स मिलते हैं, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स। और मल्टीपल एलील की एग्जांपल आपके पास यहां पे है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टाइनर, जिसने 1901 में ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया यूनिवर्सिटी ऑफ पेना में, और इसने 1930 में नोबेल प्राइज लिया। इसने कैसे ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया, जब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाता था तो बास केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कोई अफेक्ट ना होता, लेकिन बास केसेस में यह होता था कि जब वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो जिस पर्सन में वो ब्लड को ट्रांसफ्यूज करवाता उसकी डेथ हो जाती। अब इस बात से ये बहुत परेशान हुआ कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होने के आंसर और ढूंढने में इसने ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर कर लिए, जिसमें इसने ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ की जो टाइप्स हैं ये डिस्कवर कर दी। तो टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो टाइप्स में आपके पास दो टाइप्स मिलती हैं। ये किसने कहा, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये एक सोसाइटी है जिसने डिफरेंट टाइप्स ब्लड की रिकॉग्नाइज की हैं। मेजर में 30 मेजर्स हैं, जबकि माइनर में 200 माइनर्स हैं। मेजर में भी दो जो हैं, एबीओ सिस्टम जो आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, और आरएच सिस्टम कि किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव क्यों है या ए नेगेटिव क्यों है, इसको हम कहेंगे आरएच सिस्टम, और इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम एबीओ सिस्टम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एबीओ सिस्टम क्या है। इसको हम माइनर ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर डू नॉट कॉम्प्लिकेट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, के ये इतना अफेक्ट नहीं करती कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करें तो ये इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करती। अब हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में फिनोटाइपिक बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो क्यों है, ब्लड ग्रुप बी है तो क्यों है, और ब्लड ग्रुप ए बी है तो क्यों है, और ब्लड ग्रुप ओ है तो क्यों है। सो इससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा एंटीजन का, और एक कॉन्सेप्ट समझना होगा एंटीबॉडी का। तो सबसे पहले मैं आपको एंटीजन का कॉन्सेप्ट देता हूं कि एंटीजन क्या है। हर वो सब्सटेंस, हर वो चीज जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करे, या आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर दे। सर समझ नहीं आई, आप कुछ एग्जांपल या डायग्राम से समझाएं। सर डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई भी इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल के अंदर लेट्स सपोज कि ये बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड आ चुका, तो आने के बाद मुझे ये बताना है कि आपके बॉडी के अंदर जो बॉडी गार्ड्स हैं यानी इम्यून सिस्टम जो है क्या वो एक्टिव होगा। तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि सर एक्टिव होगा। अब ये वाला जो सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर आया है जिसने इम्यून सिस्टम को एक्टिव किया है, असल में इसको हम एंटीजन कहते हैं। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, कोई दूसरे टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब यहां से ही एंटीबॉडी का कंसेप्ट समझिएगा। जब ये एंटीजन आएगा तो क्या आपकी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होगा, तो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स के रिजल्ट में आपकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज बनेगी जो आपकी बॉडीज का डिफेंस करेंगी और इस पैथोजन को मारेंगी।
ये वाली जो प्रोटीन्स बनी है जो किसके अगेंस्ट बनी है, इस एंटीजन के अगेंस्ट, यानी स्पेसिफिक इस एंटीजन के अगेंस्ट बनी है। इन प्रोटीन को, ये मोस्टली ये वाई शेप होती हैं, इन प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। तो यहां पे मैंने एंटीजन का कंसेप्ट भी लिख लिया है और एंटीबॉडीज का कंसेप्ट भी लिख लिया है, लेकिन यहां पे समझिए क्या कि एंटीजन आपके पास दो तरह के होते हैं, एक आपके पास एक्सटर्नल मिलेंगे और एक आपको इंटरनल मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो बैक्टीरिया बाहर से आया है, वायरसेस जाएंगे या कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड जाएगा तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल एंटीजन। लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर भी आपको कुछ एंटीजेंस मिलेंगे। ये वाले जो एंटीजेंस हैं, इनको हम नेम देंगे इंटरनल एंटीजेंस, यानी बॉडी के अपने एंटीजेंस। तो एंटीजेंस आपके पास दो तरह के होते हैं, यहां पे मैंने लिख लिए। पहले एंटीजन क्या है, कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, और ये दो तरह के। इंटरनल क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, और एक मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल आपको आरबीसी के सरफेस के ऊपर वाले एंटीजन की दे दी, कि वो वाले एंटीजन जो आपके सरफेस आरबीसी की सरफेस के ऊपर है। और एक्सटर्नल में क्या, ओरिजिनेट फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी, जिसमें आपके पास वायरसेस बैक्टीरिया एक्सेट्रा हो गया। और जो एक्सटर्नल है, और कीजिएगा, जो एक्सटर्नल है वो ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स, वो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। लेकिन जो इंटरनल होंगे, आपके अपने होंगे, फॉर एग्जांपल आरबीसी वाले, ये आपके इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स को पैदा नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। अब यहां पे मैं आपको कंसेप्ट देता हूं कि किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए क्यों है, बी क्यों है, ए बी क्यों है और ओ क्यों है। लेट्स सपोज कि ये कोई भी इंडिविजुअल है, इसका ब्लड ग्रुप ए है। तो क्यों ए है? अगर हम इस इंडिविजुअल के सर्कुलेटरी सिस्टम से आरबीसी लें और आरबीसी को मैंने यहां पे ड्रा कर दिया, अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है तो इसका ब्लड ग्रुप ए है। सिंपल सी बात है। इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी क्यों है, आप खुद मुझे रिस्पॉन्स दें। क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन बी है, तभी इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी क्यों है, तो डेफिनेटली आप आंसर दे रहे होंगे कि सर क्योंकि इसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तभी इस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। अब मैं एक और एग्जांपल की तरफ जाता हूं। लेट्स सपोज कि इसका ब्लड ग्रुप ओ है, क्योंकि इसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर आपको कोई भी एंटीजन नहीं मिलेगा, तो तभी हम इसको जीरो ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो क्या मतलब, आपके ब्लड के आरबीसी के जो सरफेस के ऊपर एंटीजन ए भी है और बी भी है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो क्यों ए है, क्योंकि आपके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये बेस्ड ऑन एंटीजन है। तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अभी भी हमारा कंसेप्ट मल्टीपल एलील वाला क्लियर करना रहता है। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए इस वजह से है क्योंकि इसके आरबीसी के सर्फेस के ऊपर एंटीजन है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि सर इसकी आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए क्यों है। ठीक हो गया। अब मैं इस इंडिविजुअल का एक सेल लेता हूं और सेल यहां पे ड्रा कर दिया, और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सर आरबीसी तो के अंदर तो न्यूक्लियस नहीं होता, वो एन्यूक्लिएटेड होता है। तो आपने यहां पर न्यूक्लियस ड्रा कर दिया, तो याद रखिएगा कि यहां पे मैंने लिख लिया है कि प्रीकर्सर स्टेम सेल्स, यानी बोन के वो वाले सेल्स, बोन मैरो के, जहां से आरबीसी बनेगा उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये वो वाला सेल है, प्रीकर्सर स्टेम सेल। तो इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्रोमोसोम नंबर 9 वाला है और ये क्रोमोसोम नंबर 19 है। अगर क्रोमोसोम नंबर 9 में यहां पर आपके पास एलील आई ए है और यहां पे भी आपके पास एलील आई ए है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आरबीसी के सरफेस के ऊपर यहां पे जो होगा वो एंटीजन ए होगा, क्योंकि जीनोटाइप में एलील ए वाले हैं। क्लियर हो गया? लेकिन यहां पे मैंने लिखा होगा क्रोमोसोम नंबर 19, क्रोमोसोम नंबर 19 पे भी कुछ प्रोडक्ट बनता है जो एक्स सब्सटेंस बनाता है, ये वाला एक्स सब्सटेंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी तरफ हम नहीं जाते। लेकिन अगर इस इंडिविजुअल के अंदर अगर ये कंडीशन हो कि यहां पे आई ए हो और यहां पे समाल आई हो या आई ओ हो या समाल आई हो, तो अब मुझे ये बताना है कि इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो जब ये कंडीशन होगी कि एक आई ए होगा और दूसरा समाल आई होगा या आई जीरो होगा या आई ओ होगा, तो इस केस में भी इसका ब्लड ग्रुप ए होगा क्योंकि ए डोमिनेट है स्मॉल आई पे। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी बॉडी के एंटीजन ए इस वजह से है क्योंकि इसका जीनोटाइपिक में भी आई ए हो, दूसरा भी एलील आई ए हो, या इसका जीनोटाइप में भी हो सकता है आई ए और स्मॉल आई। इसी तरह सेम इसी तरह इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी क्यों है? क्योंकि इसके जीनोटाइप में एक एलील आई बी और दूसरा एलील आई बी भी हो सकता है, या एक एलील आई बी और दूसरा स्मॉल आई बी हो सकता है क्योंकि आई बी डोमिनेट है दूसरे पर। लेकिन किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके क्रोमोसोम नंबर 9 पे एक एलील ए वाला है और दूसरा एलील कंफर्म जो है इस इंडिविजुअल का बी है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका क्या मतलब, आपका एक एलील कंफर्म ए है और दूसरा एलील कंफर्म बी है, तभी तो ये एग्जांपल आपके पास को डोमिनेंस में भी आपने डिटेल से डिस्कस की थी। अब किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है, वो ओ इस वजह से क्योंकि एक एलील बी रिसेसिव है और दूसरा एलील बी रिसेसिव है, यानी ये वाला भी स्मॉल आई है और ये वाला भी स्मॉल आई है, तभी तो इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं बना, और एंटीजन बना नहीं तो सरफेस पे किधर से आएगा? तो इस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो आपके पास क्या होगा, ओ होगा। अब यहां पे मल्टीपल एलील का कंसेप्ट थोड़ा सा समझिएगा कि आपके पास एलील समाल आई भी मिला, आपको एलील आई ए भी मिला, एलील आई बी भी मिला इस सारे पॉपुलेशन में। तो मुझे यह बताना है कि इस केस में आपके पास सिर्फ दो एलील थे, आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर, और ये वाई और ये वाले वाई। लेकिन इस कंडीशन में आप जरा सा गौर से देखें तो आपके पास तीन तरह के एलील्स मिल रहे हैं, स्मॉल आई, आई ए और आई बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ब्लड ग्रुप के तीन एलील्स मौजूद हैं, वो डिफरेंट कंडीशंस में आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सर इस इंडिविजुअल के अंदर भी तो एलील दो ही हैं, इसके अंदर भी तो एलील दो ही हैं, इसके अंदर भी तो एट अ टाइम दो ही हैं, और इसके अंदर भी एट अ टाइम दो ही एलील हैं। तो याद रखिएगा, एट अ टाइम एक इंडिविजुअल के अंदर मेरे अंदर दो ही एलील होंगे ब्लड ग्रुप के, लेकिन ह्यूमंस की पॉपुलेशन के अंदर ब्लड ग्रुप के लिए टोटल एलील्स जो हैं वो तीन हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में जरा गौर से देखें, एलील आई आई है यानी दो ही एलील हैं ब्लड ग्रुप के, इस केस में आई ए और आई बी यानी दो ही एलील हैं इस इंडिविजुअल में। इस इंडिविजुअल में जरा गौर से देखें तो ये वाला भी केस हो सकता है, ये वाले यानी या तो ये होंगे या तो ये होंगे, यानी एलील दो ही होंगे, लेकिन आपके पास एलील की जो फॉर्म्स हैं वो मोर देन टू फॉर्म्स हैं, तभी हम इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील, यानी आई ए आई पी एंड स्मॉल आई। तो अब आपको इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, द एलील दैट एग्जिस्ट इन मोर देन टू डिफरेंट अल्टरनेट फॉर्म्स आर कॉल्ड मल्टीपल एलील। अब मल्टीपल एलील के बाद यहां पे मैंने कंसेप्ट थोड़ा सा यहां पे चार्ट की फॉर्म में लिख लिया है ताकि आपको समझ आए। अब यहां पे मैंने एक तरफ लिख लिया ब्लड ग्रुप्स, और यहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी और डोनर्स यानी किसको ब्लड दे सकते हैं। अब जिस इंडिविजुअल के अंदर ए बी ओ ब्लड, जिस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी बॉडी के अंदर एंटीजन ए है। किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब है उसके अंदर एंटीजन बी है। किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी क्यों है,
क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ओ क्यों है? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, क्योंकि दोनों आपके पास एलील जो है वो रिसेसिव फॉर्म में है। लेकिन अब यहां पे गौर कीजिएगा, जिस इंडिविजुअल के अंदर एंटीजन ए है उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी ए नहीं होगी। क्यों? अब फॉर एग्जांपल इसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है, तो इसका मतलब है इसके ब्लड ग्रुप ए है। इसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज ए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर इसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज ए हो तो एंटीबॉडीज ए और एंटीजन ए ये आपस में फाइट करना शुरू कर जाएं और अपनी बॉडी खुद ही खुद को मारना शुरू कर दें। तो ये याद रखिएगा, जिस इंडिविजुअल के अंदर एंटीजन ए है तो उस इंडिविजुअल के अंदर एंटीबॉडी ए नहीं होगी। जिस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर एंटीजन बी तो है लेकिन एंटीबॉडी बी नहीं हो सकती, क्योंकि एंटीबॉडी बी एंटीजन बी को किल कर दे। तो यहां पे मैंने लिख लिया है, एंटीजन ए होगा तो उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बी होगी। किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसका एंटीजन तो बी होगी लेकिन एंटीबॉडी उसके अंदर ए होगी। इसी तरह किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर ब्लड ग्रुप ए भी है तो इसका मतलब उसका एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी है लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडी ना ए होगी ना बी होगी। क्यों? अगर ए हुई तो एंटीजन ए को मार देगी, अगर बी हुई तो एंटीजन बी को मार देगी। इसी तरह किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ओ इस वजह से, क्योंकि उसके ऊपर एंटीजन नहीं है लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडी ए भी हो तो कोई मसले की बात नहीं और बी भी हो तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एंटीजन ही नहीं है तो आपस में फाइट कैसे करेंगे। तो इसके अंदर आपके पास एंटीबॉडीज दोनों मिलती हैं। अब यहां पर डोनर्स को जरा गौर से देखिएगा, ब्लड ग्रुप ए वाला ए को भी ब्लड दे सकता है और ओ को भी जो है वो ब्लड दे सकता है। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज जो जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो ब्लड ग्रुप बी वाले को भी वो ब्लड दे सकता है और ओ वाला भी बी वाले को ब्लड दे सकता है। इसी तरह ए वाला बी ए को दे सकता है और ओ वाला बी ए को दे सकता है। जिस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए भी हो तो उसको ए इंडिविजुअल वाले भी ब्लड दे सकते हैं, बी इंडिविजुअल वाले भी ब्लड दे सकते हैं, ए बी भी दे सकते हैं और ओ वाला इंडिविजुअल भी ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज ही नहीं होती। इसी तरह ओ वाला इंडिविजुअल सिर्फ ओ को ब्लड दे सकता है। तो इसी वजह से ए बी को आप यूनिवर्सल जो है वो रेसिपिएंट कहते हैं, यानी हर ग्रुप से आप ब्लड ले सकता है, और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि ये दूसरे ब्लड जो इंडिविजुअल के ब्लड ग्रुप्स हैं उनको ब्लड दे सकता है। लेकिन यहां पे मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट लिख लिया है सीरम का। सीरम का समझना है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसफ्यूजन के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहां पे सीरम क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एंटीबॉडीज का कंसेप्ट आया तो एंटीबॉडीज जहां पे होती हैं उसको हम उस जगह को हम उस लिक्विड को ब्लड के लिक्विड को हम सीरम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ब्लड है और ब्लड को हमने इस ट्यूब में डाल दिया और ट्यूब में डालने के बाद जो ब्लड के सेल्स हैं आरबीसी जितने भी ब्लड सेल्स हैं इनको हमने साइड पर कर दिया और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को इधर साइड पर कर दिया। बाकी का जो लिक्विड पार्ट है इस लिक्विड पार्ट को हम सीरम कहते हैं। तो यहां पे मैंने लिख भी लिया है, द क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड डेट रिमेन्स आफ्टर ब्लड सेल्स एंड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैव बीन रिमूव्ड। बाकी का जो लिक्विड पार्ट है उसको हम सीरम कहते हैं और सीरम के अंदर आपके पास एंटीबॉडीज पाई जाती है। होप के आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जीनोटाइप को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर ये एली ए है तो ये कैसा प्रोडक्ट और क्या बनाता है जिसकी वजह से इसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए, और एंटीजन ए मॉलिक्यूल है तो ये क्या चीज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।